हूँ समीर यादव, राजस्थान इंडिया से। मैं इस शिप पे फोर्थ इंजीनियर हूँ। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या हैं शिप पे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं मॉर्निंग में नीचे आता हूँ तो नीचे आते ही मेरा सबसे पहला काम है ब्रिज को इन्फॉर्म करना कि मैं इंजन रूम मैन कर रहा हूँ। अब इंजन रूम मैन से मतलब क्या है कि नाउ देयर इज सम पर्सन इन इंजन रूम। मैं श्योर करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी मशीनरीज चल रही हैं उनके पैरामीटर वगैरह सब ओके हैं, सारी मशीनरी सेटिस्फैक्टरी रनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं जनरेटर का लोड चेक करूँगा, कि जनरेटर का लोड सही है नहीं है। फिर इसका टेम्परेचर देखूंगा मैं जनरेटर का कि कहीं कुछ एक्सीड तो नहीं कर रहा है टेम्परेचर, ल्यूब ऑयल प्रेशर वगैरह, ल्यूब ऑयल टेम्परेचर। तो ये यहाँ से रिमोटली देखने के बाद सारा सब कुछ सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे चेक करने के बाद फिर मैं इसको लोकली चेक करूँगा। लोकल से मेरा मतलब है कंट्रोल रूम के अलावा हम लोकली और मशीन का टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। लोकली हम किस लिए चेक करते हैं? लोकल हम इसलिए चेक करते हैं कि उसकी फिजिकल वहाँ पे जाके देखने के कहीं कोई लीक तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। इसलिए जाकर के हम लोकल चेक करते हैं। राउंड कंप्लीट के बाद में फिर मैं आता हूँ ECR के। फर्स्ट इंजीनियर और हम सारे टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इंजीनियर हमें ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए देते हैं। मेंटेनेंस किस लिए होती है? ताकि हम शिप को हेल्दी कंडीशन में, सेफ कंडीशन में रन कर सकें। मेंटेनेंस होती है PMS के अकॉर्डिंग या फिर कभी कभार सडनली कोई मेंटेनेंस आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंजीनियर प्लान करके मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट करवाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे सी के रूटीन्स क्या क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पोर्ट्स में रूटीन्स क्या हो जाते हैं। पोर्ट्स में रूटीन थोड़े से चेंज हो जाते हैं बट काम ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारी वॉचेस स्टार्ट हो जाती हैं 6 on 6 off। 6 on 6 off से क्या मतलब है कि मेरा वर्किंग आवर्स हो जाता है 6 to 12 मॉर्निंग, आफ्टर 12 to 6 मेरा रेस्ट आवर रहेगा, एंड आफ्टर दैट 6 to 12 अगेन माई वॉच इज स्टार्टेड। हम पोर्ट के अंदर वॉचेस क्यों रखते हैं? बिकॉज पोर्ट के अंदर डायनामिक ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे हम कंटिन्यूस काम करते रहते हैं पोर्ट के अंदर। तो एक ना एक आदमी चाहिए इंजन रूम में जो कि डेक को मशीन्स किसी भी टाइम पे अवेलेबल करा सके, जैसे कि पंप है, बॉयलर प्रेशर है, कुछ भी जो भी वो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्रेन है, तो उनको हम प्रोवाइड करवा सके। इसीलिए इंजन रूम ऑलवेज मैन इन पोर्ट। तो अगर आप मुझसे पूछें तो हमारा पोर्ट रूटीन सी रूटीन के कंपेयर में ज़्यादा बिजी होता है। जिस जगह मैं आपको लेके आया हूँ ये है बंकर टैंक साउंडिंग पाइप। यहाँ पे मैं अभी बंकर टैंक साउंडिंग लूंगा। बंकर टैंक साउंडिंग मैं क्यों लेता हूँ? ताकि मुझे 24 आवर्स में हमने कितना कंजम्पशन किया है ये पता चल सके, और दूसरा कहीं कोई हमारा टैंक आपस में मिक्स तो नहीं हो गया है, इसलिए हम डेली बंकर टैंक साउंडिंग लेते हैं, और ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम स्टीयरिंग रूम के अंदर, यहाँ पे ल्यूब ऑयल लॉकर है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ल्यूब ऑयल्स हैं। यहाँ पे मैं इनकी इन्वेंट्री लेता हूँ ताकि मुझे इनका कंजप्शन का पता लग सके।
क्योंकि डिफरेंट मशीनरीज है, डिफरेंट ल्यूब ऑयल्स उनके अंदर यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर ल्यूब ऑयल इन्वेंट्री के लिए मैं इनकी डेली ल्यूब ऑयल इन्वेंट्री लेता हूँ। तो ये टाइम है शाम के 5, अब हमारा टाइम है नोकॉफ का। नोकॉफ से मतलब है कि ये हमारा टाइम स्टार्ट है अभी एंजॉय करने का, तो अभी हम चले एंजॉय के लिए। जब मैं नीचे से आता हूँ तो सबसे पहले मैं फ्रेशअप होता हूँ, फ्रेशअप होने के बाद फिर मैं सुनता हूँ गाने, वो भी ऊंची आवाज़ में, किसी के भी गाने में सुनता हूँ, जैसे हरियाणवी या पंजाबी मेरे को बहुत पसंद है दोनों, तो मैं इन दोनों में किसी के भी गाने सुन लेता हूँ। फिर इसको सुनने के बाद में फिर मैं थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं जिम चला जाता हूँ, मुझे जिम बहुत पसंद है। तो मैं फिर जिम जाता हूँ और वहाँ पर अपना आधा या पौना घंटा वहाँ पर अपना लगा करके फिर आता हूँ। अपना शावर लेता हूँ, नहाता हूँ, फिर दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, फिर हमारा खाने का टाइम हो जाता है, फिर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं थोड़ा ब्रिज पे चला जाता हूँ, वहाँ मिल लेता हूँ दोस्तों से, थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर वो हमारा सोने का टाइम हो जाता है। That is how my day ends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।